महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? तो उन्होंने कहा, इंसान को ये लगता है उसके पास बहुत वक्त है। हमारी भी यही गलती है, हमें लगता है हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन हमारी जिंदगी का ये वक्त कितनी तेज गति से निकल भी जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आपका ये वक्त आपको फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी ये अनमोल है। आप समय के मालिक नहीं बन सकते, पर इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आप समय को अपनी तिजोरी में, अपने बैंक अकाउंट में या अपने लॉकर में छुपा के और बचा के नहीं रख सकते, लेकिन आप समय को अपनी मर्जी अनुसार खर्च जरूर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी का गुजरा एक एक सेकंड भी आप वापस नहीं ला सकते हैं। वैसे तो एवरेज हमारी उम्र 60 से 80 साल होती है, जिसमें से लगभग 20 से 23 साल हम सोने में गंवा देते हैं, जो हमारी जिंदगी का लगभग 30% हिस्सा है। 10 से 12 साल हमारा काम करने में निकल जाता है। हम लगभग 9 साल टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर खर्च कर देते हैं। हम लगभग 4 साल खाने पीने में खर्च करते हैं। हम 3 साल एडुकेशन में खर्च कर देते हैं। बाकी जो समय हमारे पास बचता है, उससे आप कैसे खर्च करते हैं? टाइम पैसे से बहुत ज्यादा वैल्यूबल होता है। आप टाइम से जितना चाहे पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन पैसे से आप टाइम को कभी नहीं खरीद सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही है, आपके पास बहुत सीमित समय है, सो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। अब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है कि ये टाइम आपकी जिंदगी से उड़ जाता है, और गुड न्यूज ये है कि इस टाइम को उड़ाने वाले पायलट आप खुद हैं। आप कल्पना करें कि आप रोज सुबह को उठते हैं और आपके बैंक अकाउंट में रोज 86,400 रुपए आ जाते हैं, और दिन खत्म होने तक ये पैसे अपने आप खत्म हो जाते हैं, चाहे आप इनका इस्तेमाल करो या ना करो। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन क्या आप इसका सही से इस्तेमाल करना जानते हैं? आप पैसों को तो कभी वेस्ट नहीं करते, लेकिन जब टाइम की बात आती है तो आप उसे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये एक एक सेकंड भी आपके पैसों से बहुत ज्यादा बढ़कर है। पैसा आता है और जाता है, लेकिन ये जो टाइम आपकी जिंदगी से एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर एक साल की वैल्यू जाननी है तो उस स्टूडेंट से पूछो जिसका अपनी ग्रेड की वजह से एक साल खराब हो गया। अगर एक महीने की वैल्यू जाननी है तो उस माँ से पूछो जिसने अपने आखिरी महीने में अपने बच्चे को खो दिया हो। अगर एक दिन की वैल्यू जाननी हो तो उस मजदूर से पूछो जिसका घर उसके हर दिन काम करने से चलता है। अगर एक घंटे की वैल्यू जाननी हो तो उन प्रेम करने वालों से पूछो जिन्हें बहुत तरसने के बाद एक दूसरे से एक घंटा बात करने के लिए मिलता है। और अगर एक मिनट की वैल्यू जाननी हो तो उस इंसान से पूछो जिसकी बस, ट्रेन या फ्लाइट लास्ट मिनट पर मिस हो गई हो। और अगर एक सेकंड की वैल्यू जाननी हो तो उस इंसान से पूछो जिसका एक सेकंड की वजह से एक्सीडेंट होते होते बच गया। और अगर एक मिली सेकंड की वैल्यू जाननी हो तो उस इंसान से पूछो जो एक मिली सेकंड की वजह से ओलंपिक्स में दूसरे नंबर पर आता है। हमें लगता है कि हमारा टाइम लोगों की वजह से खराब होता है, लेकिन सच ये है कि हमारा टाइम खराब करने की परमिशन हम ही उन्हें देते हैं। उन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू और टाइम कभी मत दो जिनकी जिंदगी में आपकी और आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। हर इंसान के अंदर ना दो आवाजें होती है, एक वो जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो जिंदगी में जीतना चाहती है, और दूसरी वो जो हमें कहती है कि आपसे कुछ नहीं होगा, जो आपको आलसी बनाती है, जो आपको कमजोर बनाती है, जो आपको हर पल ये कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरियां हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, जिंदगी में सिर्फ परेशानियां और तकलीफें हैं। पर आपको पता है इन दोनों में से कौन सी आवाज जीतती है? जिस आवाज को आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं, आप जिसकी बात मानते हैं। और जिंदगी में आप क्या बनते हो, अपने टाइम को आप कैसे यूज करते हो, ये सब कुछ
आप पे डिपेंड करता है। जिंदगी और वक्त सबसे बेस्ट टीचर हैं। जिंदगी ये सिखाती है कि अपने समय का सही और अच्छा इस्तेमाल आप कैसे करें, और समय आपको ये सिखाता है कि ये जिंदगी कितनी अनमोल और खूबसूरत है। जिंदगी उन्हें बहुत बड़ी सी लगती है जो दुखी रहते हैं, और उन्हें बहुत छोटी लगती है जो जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं और जो प्यार करते हैं। उनके लिए तो समय जिससे दौड़ने लग जाता है। ये समय आपका है, आप इससे अपनी जिंदगी बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है।